मौसम बदल रहा है, अब तेवर बदलनी चाहिए। लक्ष्य हासिल कर हमें सूरत बदलनी चाहिए। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने चर्चा की थी कि अब नए साल से हर सप्ताह कम से कम एक एक वीडियो हर सप्ताह लेते बढ़ते चलेंगे क्रम से। शुरुआत फेज अभी प्रतिशत चैप्टर परसेंटेज से शुरुआत कर रहे हैं, बेसिक से पार्ट बाय पार्ट करके सीरीज बनाते चलेंगे। तो हर वीक एक एक वीडियो, और फिर जब एग्जाम का दौर शुरू हो चुका होगा, एग्जाम जैसे ही समाप्त तो होता है, जब क्वेश्चन अवेलेबल हो चुका होता है, वहां से विधिवत सेट का सॉल्यूशन भी अवेलेबल करवाते चलेंगे। तभी फिलहाल एक सेक्शन परसेंटेज में से एक दो टाइप उसको लेके बढ़ते चलते हैं सीरीज करते हुए। तो अभी से क्रम प्रयास ये करेंगे कि जिस फेज को शुरू किए उसको एक पड़ाव तक पहुंचा के फिर नए फेज का शुरुआत किया जाए। तो बारी बारी से एक एक फेज को लेते चलेंगे। शुरुआत कर रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज में ये आपका परसेंटेज का सिंबल कहलाता है। इस सिंबल का मतलब जिसके साथ भी लग गया समझिए उसको 100 से डिवाइड करना है, ज्यादा कुछ कहानी नहीं। सपोज एक्स परसेंट लिखा हुआ है का मतलब हुआ एक्स डिवाइडेड बाय 100। लिख दिया आपको 20%, 20% मीन्स 20 डिवाइडेड बाय 100। फ्रैक्शन में कहते तो 20 से कैंसिल हो जाता 5 राउंड में, तो इसको आप लिख सकते थे 1/5। कह दिया 16.23%, मतलब 48.50/3 है, और प्रतिशत सिंबल का मतलब डिवाइडेड बाय 100। अब काट लीजिए तो इसको कह सकते थे 1/6। लिख दिया 33.1/3%, भिन्न में बदलते तो 99.100/3 हुआ। प्रतिशत सिंबल का मतलब डिवाइडेड बाय 100, तो 00 कैंसिल हो चुका, इसे कह सकते हैं 1/3। पूरे फेज में किसी भी ट्रिक या किसी परसेंटेज के फॉर्मूला का चर्चा नहीं करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऑप्शनल व्यवस्था लेके चलते होंगे। उसी ऑप्शनल व्यवस्था में एक व्यवस्था ये भी है। अब दो शब्द से मुलाकात होगी कि समथिंग परसेंट इंक्रीज कर गया, या हो सकता है कि समथिंग परसेंट डिक्रीज कर गया, कुछ प्रतिशत बढ़ गया या कुछ प्रतिशत घट गया। अब वृद्धि कमी, यहां सपोज कह दिया बढ़ गया, इंक्रीज कर गया और डिक्रीज कर गया। बस आप सिर्फ यही समझिए कि जो भी परसेंटेज दिया फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिए तो ये 20% था, तो 1/5 हुआ। अब इसको इसी नजरिया से देखिए कि 5 अगर था तो वो 1 बढ़ गया तो कितना हुआ 6। तो इसको लिख सकते हैं कि ये अगर बढ़ेगा तो इसको 6, जो 5 था वो पहुंच गया 6 पे, 6/5। कह दिया डिक्रीज किया तो यही समझिए 5 था और उसमें 1 की कमी हो गई, तो 5 था 1 कमी हुई तो 4/5 कह सकते हैं। ऐसे ही 1/6 अगर बढ़ा तो कहते 7/6, 1 बढ़ा तो 7। तो यहां पर भी आप कह सकते थे इंक्रीज किया तो 7/6, डिक्रीज किया तो 6 में 1 की कमी हुई तो 5/6। यही आ जाते हैं 1/3, अगर शब्द यूज कर रहा है इंक्रीज किया बढ़ गया, तो बढ़ा मतलब 3 था, 1 बढ़ा तो इसको लिख सकते हैं 4/3। कमी शब्द का यूज किया तो समझिए 3 था,
एक का कमी हुआ तो एक कमी हुआ तो हुआ दो, तो दो बटा तीन, ऊपर इंक्रीज नीचे लिखे डिक्रीज को। मान लिया जाए किसी को फ्रैक्शन में तोड़ के लाते 15/17 आ जाता, आपको लिख सजाना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए। अगर इंक्रीज करना है तो बस ऐसे ही पढ़िए कि 17 था 5 बढ़ गया तो 17 5 22/17 हो गया। डिक्रीज किया कमी हुआ का मतलब 17 था 5 कम हुआ तो 5 घटा तो 12/17। परसेंटेज में फॉर्मूला और ट्रिक अगर छोड़ते हैं तो पूरे फेज के लिए बस इतने ही फेज को कन्वर्ट करने के लिए आना चाहिए कि अगर कह दिया 20% बढ़ा तो बस 20% मतलब 1/5, अब बढ़ा मतलब 5 से 1 बढ़ के तो 6/5, अब कमी हुआ तो 5 में 1 की कमी हुई तो 4/5। यही एक ग्राउंड होगा, इसी को लेके बारी बारी से एक एक कैटेगरी को उठाते चलेंगे, एक एक क्रम को लेते चलेंगे और क्रम सीरीज को आगे बढ़ाते चलेंगे। तो अब यहाँ से बेसिक अगर क्लियर हो तो वहाँ से क्रम को आगे बारी बारी से एक एक कैटेगरी को लेके बढ़ते चलते हैं। इस वीडियो में परसेंटेज का 2 टुकड़ा उठा रहे हैं, एक मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, मैथ में वैसा प्रत्येक खंड, वैसा प्रत्येक टुकड़ा जहाँ पर 2 या 2 से अधिक परिणाम को गुना या भाग करने पर रिजल्ट आता हो। अब उसमें कितना प्रतिशत बढ़ा कितना प्रतिशत घटा इसको निकालना हो। फिर कहते हैं वैसा प्रत्येक खंड जहाँ 2 या 2 से अधिक परिणाम को गुना करने या भाग करने पर रिजल्ट आता हो। अब गुना करने पर या भाग करने पर रिजल्ट कहाँ आ सकता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं मल्टीपल फॉर्म में एरिया किसी का भी हो, क्षेत्रफल 2 पद को गुना करने पर आ रहा होता है, वॉल्यूम 2 या 3 टुकड़े के गुणनफल के सहारे आता है। हाँ, कुछ को परेशानी होगी अगर अभी एरिया नहीं पता होगा तो जैसे कहते हैं कुछ एरिया को का फॉर्मूला लिख देते हैं, आयत लिख सकते हैं लंबाई अगुना चौड़ाई, कहते हैं वर्ग वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, साइड को स्क्वायर कर लीजिए, कहते हैं वृत्त वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, या वॉल्यूम में कुछ वॉल्यूम की चर्चा कर लेते हैं जैसे क्यूब कहा घन कहा, घन का वॉल्यूम भुजा क्यूब ए क्यूब, क्यूबॉइड घनाव कह दिया, वॉल्यूम कहते हैं एल बी एच, मतलब एल बी एच। ये 3 खंड ऐसा है जो आपस में गुना होगा तो वॉल्यूम को बतला रहा होगा। कह दिए सिलेंडर बेलन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, कह दिए कोण शंकु शंकु का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कह दिए स्फीयर गोला गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए एरिया वॉल्यूम कहे 2 या 2 से अधिक परिणाम को गुना करने पे आता है। अब अगर वर्ग का क्षेत्रफल लिखना हो तो भुजा स्क्वायर लिखते हैं, मतलब भुजा गुना भुजा, भुजा को 2 बार गुना करेंगे तब एरिया आएगा।
वृत्त का क्षेत्रफल लिखते हैं तो पाई के साथ आर आपस में दो बार गुना होगा तब वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही क्यूबाइड है तो क्यूबाइड लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब गुना होगा तब जाके आ रहा होगा आपका वॉल्यूम घनाव का। ऐसे ही शंकु है तो 1/3 पाई के साथ आर दो बार और एच एक बार गुना होगा तब आपका वॉल्यूम आ रहा होगा। आप हमेशा एक काम एक्स्ट्रा में एक्स्ट्रा कर लीजिए, कांस्टेंट डेटा को हमेशा रेशियो में इग्नोर करते चलिए। इग्नोर करने का मतलब जैसे शंकु है कांस्टेंट डेटा उसमें है 1/3 और पाई, तो इसको हमेशा छोड़ के चलिए रेशियो में, क्योंकि दो का अगर तुलना करेंगे दो शंकु का तो सब शंकु में 1/3 या पाई कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, या गोला है तो 4/3 पाई सबके साथ रहेगा ही, बेलन है तो पाई सबके साथ रहेगा ही, वृत्त है तो पाई कांस्टेंट चेहरा है सबके साथ रहेगा ही। रेशियो निकालने के वक्त कांस्टेंट डेटा की कोई जरूरत नहीं रहती, तो बस सिर्फ फॉर्मूला पता हो, भिन्न में सजाने आता हो। अब एक और शब्द चर्चा की है कि दो या दो से अधिक परिणाम को गुणा करने या भाग करने पर रिजल्ट आता हो। अब मान लिया जाए क्यूबाइड ही दे दिया, कभी लेंथ का चर्चा कर दिया, कुछ परसेंट इंक्रीज किया डिक्रीज किया, ब्रेथ कुछ परसेंट इंक्रीज किया डिक्रीज किया, हाइट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम समथिंग परसेंट बढ़ा घटा। तो उस वक्त जब हाइट आपको निकालना पड़ेगा तो हाइट अगर निकालना होता तो एच बराबर लिखते तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एलबी, मतलब वॉल्यूम में तब एलबी से भाग देते। तो वैसा प्रत्येक पार्ट जहां दो या दो से अधिक परिणाम को गुणा करने पर रिजल्ट आता हो तो वो सारा का सारा पार्ट एक फेज के अराउंड लेके बढ़ते चलते हैं। और भी सेक्शन है जहां दो या दो से अधिक परिणाम को गुणा करने पर रिजल्ट आता है। एग्जाम्पल के तौर पर कहते हैं 10 रुपये किलो चीनी है, 5 किलो चीनी खपत करता है तो टोटल खर्चा कितना हुआ, तो 10 × 5 ₹50 टोटल खर्चा होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि रेट को यदि क्वांटिटी से गुना कर दें तो टोटल कॉस्ट आपको पता चल चुका होगा, तो रेट इंटू क्वांटिटी इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब फिल्म हॉल में फिल्म देखने गए हो, 10-10 रुपया फिल्म के टिकट का कीमत है, 50 दर्शक पहुंच गया तो हॉल वाला का टोटल इनकम क्या कहलाएगा, तो 10-10 रुपया का टिकट है, 50 टिकट खरीदा जाएगा का मतलब 50 × 10 = 500 का मतलब है कि टिकट के मूल्य को दर्शक की संख्या से गुना कर देंगे तो टोटल इनकम पता चल रहा होगा। कह सकते हैं टिकट रेट इंटू ऑडियंस इक्वल टू इनकम। तो पूरे मैथ में वैसा प्रत्येक फेज जहां दो या दो से अधिक परिणाम को गुना करने पर रिजल्ट आता हो, कोई कुछ परसेंट बढ़ा कोई कुछ परसेंट घटा, उसी सेक्शन को लेके बढ़ते हैं और अब उसको डील कैसे करेंगे उसकी तरफ चर्चा करते हैं। अब बारी है कि मल्टीप्लिकेशन फेज का यूज करेंगे कैसे। पहले ये डिसाइड किए कि मल्टीपल फॉर्म के अराउंड होगा क्या क्या, जैसे कहे कि एरिया टोटल का टोटल जिसका हो सब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म का हिस्सा, वॉल्यूम हो गया मल्टीप्लिकेशन फॉर्म का हिस्सा, कर्व सरफेस एरिया किसी का है तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म का हिस्सा, रेट वेट कॉम्बिनेशन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म का हिस्सा, टिकट मूल्य को ऑडियंस से गुना कर दिए तो इनकम हो गया तो ये भी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म का हिस्सा। वैसा प्रत्येक पार्ट जहां भी दो या दो से अधिक परिणाम को गुना करने पर रिजल्ट आता हो उसके लिए। अब एक आध एग्जाम्पल लिखते चलते हैं, जरूरत क्या है इसकी। जैसे कह दिया किसी आयत की लंबाई 16.2% बढ़ा दी गई, चौड़ाई
तैतीस पूर्णांक एक बटा 3% कम कर दिया। और आपसे सवाल पूछ दिया एरिया पर, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा, ये आप बतलाइए कि एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ा। यो ट्रिक की जो यूज करते होंगे कि एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, तो वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हर फेज में जाएंगे तो ड्यूअल स्टेप एरिया वाला के लिए अलग ट्रिक हो जाएगा, वॉल्यूम वाला के लिए ट्रिपल स्टेप का अलग ट्रिक हो जाएगा, अपरिवर्तित रहे एरिया इसके लिए एक अलग ट्रिक हो जाएगा, कोई चेंजिंग ना हो एरिया में अलग ट्रिक हो जाएगा, और जब ट्रिक का बक्सा पलटना शुरू कीजिएगा तो कह दिया लंबाई 20% इंक्रीज कर गया, चौड़ाई कितना परसेंट डिक्रीज करे कि एरिया 10% इंक्रीज कर जाए, 5% डिक्रीज कर जाए, पता चला कि वहाँ ट्रिक का बक्सा जवाब दे देता है। वनडे है, वनडे में हर चीज को आपको मेंटेन करना होगा, क्योंकि सवाल जरूरी नहीं है जैसा आप रट के गए हैं बस रटा रटा या क्वेश्चन आपको मुलाकात होगी, हर डिजाइन से हर पहलू पे चर्चा का होना जरूरी होता है, तब उठाते चलते हैं बारी बारी से। अब अभी कहे कि लेंथ की चर्चा किया, लंबाई का 16.2/3% बढ़ गया, भिन्न में बदलने के लिए कहे थे कि ये कितना हुआ 48.2/50/300, तो 50/300 तो इसको भिन्न में लिखते तो कितना बनता 1/6। अब कहे बढ़ गया का मतलब क्या हुआ कि 6 था एक बढ़ के कहाँ पर पहुंचा 7 पे, तो लिखिए वैसे ही रेशियो लंबाई 6 था एक बढ़ गया तो 7 पे पहुंच गया। चौड़ाई की चर्चा कर रहा है, अब चौड़ाई कह रहा है आपसे कि 33.1/3% कम हुआ, भिन्न में बदलिए इसको 100/300 मतलब 1/3 हुआ, अकार कमी हो गया, कमी होने का मतलब अगर 3 था तो 1 की कमी हुई, तो 3 था 1 कम हुआ तो कहाँ पहुंच गया 2 पे, लिख दिए। अब जरूरत है आपको एरिया, और आयत का एरिया होता है लंबाई या गुना चौड़ाई, तो लंबाई को चौड़ाई से गुना कर दीजिए, 6 × 3 ये हो गया 18, ये 7 × 2 = 14, और छोटा करके लिखते तो 9:7, 2 से कट रहा है तो 9:7। मतलब ये हुआ कि पहले अगर एरिया 9 था तो अब एरिया हो चुका 7, कमी कितने की हुई 2 की। अब प्रतिशत कमी निकालना है कि कितना परसेंट डिक्रीज किया, तो कमी हुई कितनी 2 की, किस में 9 में, प्रतिशत लिखना गुना 100, भाग दे दीजिए 200 में 9 से, 2 2 2/9, तो 22.2/9% का क्या हुआ तो कमी हुआ। जरूरी नहीं है, हो सकता है आपको लंबाई के बारे में ये चर्चा कर देता, एरिया ही दे देता कि 33.1/3% कम हो गया, चौड़ाई पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो उस वक्त एरिया में लंबाई से भाग दे देते तो निश्चित रूप से तब भाग देते तो आ जाता चौड़ाई, तो सवाल में हेरा फेरी भी किया जा सकता है, हर फेज को मेंटेन करने का विकल्प है आपके पास, ये है रेशियो रूल। सपोज अब क्वेश्चन कुछ यूं लिख रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या सोलह पूर्णांक 2/3% बढ़ा दे तो एरिया पर प्रभाव बतलाइए, क्या इफेक्ट पड़ेगा एरिया पर। तो वृत्त है, त्रिज्या का चर्चा किया, 16.2/3% बढ़ाए, भिन्न में लिखते तो 48.2/50/300 1/6 का मतलब है कि 6 था 1 बढ़ा दिया तो कहां पर ले गया, 6 था
एक बढ़ा दिया तो कहाँ ले जाएगा, सात पे। अब निकालना है बस एरिया पर इफेक्ट। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई कांस्टेंट है, छोड़ दिए का मतलब आर स्क्वायर। अब एरिया निकालिए, आर स्क्वायर तो स्क्वायर मतलब दो बार गुना, तो 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। अब जो एरिया 36 था वो पहुंच गया कहाँ पर, 49 पे। तो कितना बढ़ा, प्रतिशत वृद्धि निकालना कि कितना परसेंट इंक्रीज किया। तो बढ़ा कितना, 13। कौन बढ़ा, 36 × 100, 4 से कट जाएगा 9 बार, ये 25, 25 × 13 325 / 9 प्रतिशत। अब भिन्न में बदलना हो, भिन्न में पॉइंट में ऑप्शन हो, पॉइंट में कन्वर्ट करते रहिए। यूं लिखते हैं, अब किसी शंकु की कोण, शंकु की त्रिज्या 20% बढ़ा दे, ऊंचाई 10% कम कर दे। तब पूछ दिया आपसे आयतन पर प्रभाव, क्या इफेक्ट पड़ा वॉल्यूम पर, इसको बतलाइए। कहीं ये पता है कि वॉल्यूम अगर लिखना चाहते तो शंकु का लिखते 1/3 πr² h, और 1/3 और पाई कांस्टेंट है, छोड़ दिए, मतलब आर को स्क्वायर करके और उसको एच से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मान लिया, अभी त्रिज्या के बारे में आपको क्या कहा, 20% बढ़ा। अब तो भिन्न में बदलना आसान है, 20% तो 20/100 मतलब कितना, 1/5। अब बढ़ गया तो 5 था, 1 बढ़ा तो कहाँ गया, 6 पर। ऊंचाई की चर्चा किया, 10% कमी, 10% का मतलब क्या हुआ, 1/10। अब कमी कह रहा है मतलब 10 था, 1 कमी हुआ तो कहाँ गया, 9 पे। तो लिखिए 10 और 9। अब आपको लिखना है वॉल्यूम। अभी कहे वॉल्यूम तो 1/3 π कांस्टेंट तो r² × h, तो r² तो 5 का स्क्वायर 25 और × 10 250, r² हो गया 36 और 36 × 9, r² हो गया 6 का स्क्वायर 36, 36 × 9 360 से 36 कम मतलब 324। अब वॉल्यूम देखिए कि 250 था, पहुंच गया 324 पे, तो बढ़ा कितना, 74% वृद्धि निकालना है तो बढ़ा 74। कौन बढ़ा, तो 250 × 100, 50 से 2 बार में, 50 से ये कटेगा 5 बार में, 74 का डबल कर देते हैं, 148/5 = 29.6%। तो लिख लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको कह दिया चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने से खपत 10% कम करता खर्च पर प्रभाव बताइए, क्या पड़ेगा इफेक्ट खर्च पर। अभी कहे कि अगर 10 रुपये किलो चीनी है, 5 किलो चीनी खाता है, तो कुल खर्चा क्या कहलाएगा, तो 10 × 5 = 50। मतलब रेट को क्वांटिटी से अगर गुना कर देते हैं तो टोटल खर्चा आपके पास आ चुका होता है। तो उठाते हैं, अब करें रेट की चर्चा किया है, 20
20% इंक्रीज किया तो 20% भिन्न में बदले 1/5, इंक्रीज किया मतलब 5 था, 1 इंक्रीज किया तो कहाँ हो गया 6 पर। ठीक, अब कह रहा है कि खपत क्वांटिटी की चर्चा किया, 10% कम हुआ, 10% का मतलब हुआ 1/10, कमी कमी मतलब 10 से पहुंच गया 9 पे। अब आपको टोटल कॉस्ट की जरूरत है, टोटल कॉस्ट पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो पहले 5 रुपये किलो 10 किलो खाता था तो 50 रुपया, तो अब 6 रुपये किलो वाला 9 किलो खाएगा तो कितना 54। इसका मतलब 50 पहले खर्चा करता था तो अब खर्चा होने लगेगा 54, 54, तो कितना बढ़ा, तो प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो बढ़ा कितना 4, कौन बढ़ा 50 × 100 का मतलब 8% वृद्धि हो गया। अब इसी को थोड़ा पलट लेते हैं, जैसे कहा टिकट मूल्य में 20% वृद्धि होने से आय 80% बढ़ जाता है, दर्शक की संख्या पर प्रभाव बताइए। क्या इफेक्ट पड़ा दर्शक पे, आने वाले की संख्या बढ़ी कुछ प्रतिशत या घटी, इसको निकालना है। टिकट का मूल्य के बारे में कहा 20% बढ़ा, तो अभी कहे 20% का मतलब 1/5, 5 था 1 बढ़ गया तो 6। इनकम के बारे में कहा 80% बढ़ा, 80% भिन्न में बदले तो 4/5, अब बढ़ गया, बढ़ गया मतलब 5 था 4 बढ़ा तो कहाँ पहुंचा 9 पे। अब जरूरत है आपको संख्या पर इफेक्ट निकालना, अभी तक था आपके पास संख्या देता था, रेट देता था, इनकम निकालना था तो दोनों को गुना करते थे कि संख्या इक्वल टू रेट, संख्या इंटू रेट इक्वल टू इनकम। अब आपके पास संख्या को ही निकालना है तो क्या करेंगे, इनकम में रेट से भाग दे देंगे, भाग दीजिए इनकम में रेट से, तो 5 में 5 से भाग 1, इनकम में रेट से भाग तो 9 में 6 से भाग 3/2, रेशियो को क्रॉस करा लेते हैं तो 2:3। मतलब पहले अगर 2 दर्शक आता था तो अब दर्शक आएगा 3, तो इसका मतलब वृद्धि हुआ, प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो बढ़ा कितना 1, 2 से 3 हुआ मतलब 1 बढ़ा, कौन बढ़ा 2 × 100, तो कितना प्रतिशत बढ़ा 50%। ऐसे ही कभी हो सकता है कि घन में लंबाई चौड़ाई का वृद्धि कमी दे दिया, आयतन का ही वृद्धि कमी दे दिया और आपसे पूछ दिया ऊंचाई में क्या वृद्धि कमी हुआ, तो इसके लिए वॉल्यूम में लंबाई चौड़ाई से के गुणनफल से भाग दे के रेशियो निकाल लेंगे और तब कितना बढ़ा कितना घटा इसका डिसीजन लेते चले। जैसे कह दिया किसी मजदूर की मजदूरी 20% बढ़ा दी गई, समय 10% कम कर दिया, इस परिवर्तन के बाद उसे 3780 रुपया मिलता हो तो
प्रारंभ में कितना पाता था। अब सवाल डेटा से पूछना शुरू कर दिया कि डेटा हो, प्रतिशत हो, कोई भी फेज हो, अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के फॉर्म का हिस्सा है तो आपका काम पहले रेशियो निकाल लीजिए। ये पता है कि मजदूरी जैसे पहले 10 रुपया देता था, 2 घंटा काम लेता था तो 10 रुपये घंटा दिया, 2 घंटा काम लिया तो 20 रुपया। अब अगर 20 रुपये घंटा 3 घंटा काम लेता है तो 60 रुपया देना पड़ेगा, दोनों को गुना कर देंगे तो रिजल्ट आएगा। तो मजदूरी 20% बढ़ी, तो मजदूरी का चर्चा आप कैसे, तो मजदूरी का चर्चा कहा 20% बढ़ा, 20% मतलब 1/5, अब 5 था 1 बढ़ा तो 6, समय 10% कम हुआ, 10% मतलब 1/10, 10 था 1 कम हुआ तो 9। अब कुल मजदूरी की बात की जाए तो 5 मजदूरी मिलता था 10 काम 10 दिन के लिए, तो 10 × 5 = 50 कह सकते हैं। अब 6 6 मिलेगा लेकिन काम 9 दिन ही होगा, तो 9 × 6 = 54। इसका मतलब है कि पहले अगर 50 मिलता था तो अब 54 मिल रहा है। कमी कितने का, कमी नहीं हुआ, वृद्धि हुआ कितने का, 4 का। अभी प्रतिशत में पूछता तो वृद्धि लिखते तो 4/50 × 100 तो 8% की वृद्धि। अभी अब डेटा से सवाल पूछा गया है, अब मिल कितना रहा है, 54। 54 भाग आपको दे दिया है वो है 3780। आपसे पूछा गया है 50 भाग कितना, तो 50 भाग निकालिए, 1 भाग हो जाता 3780/54, अब 50 भाग तो गुना 50, 54 से काटते 7 बार में ये करता तो 70, 70 × 50 = 3500। तो उसको प्रारंभ में कितना मिलता था, तो 3500 रुपया। हो सकता था प्रतिशत से ही सवाल पूछता कि कुल वेतन पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो 50 था 54 हुआ तो क्या हुआ, 4 की वृद्धि, बटा में 50 × 100 तो 8% की वृद्धि लिखा जा सकता था। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपसे सवाल सिर्फ प्रतिशत से ही हो, डेटा से भी सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपसे कह दिया चीनी के मूल्य में 16.2/3% वृद्धि होती है, खपत कुछ प्रतिशत कम करता है ताकि खर्च पर प्रभाव ना पड़े, यदि वह प्रारंभ में 60 kg खपत करता था तो वर्तमान खपत क्या है। क्वांटिटी से आपसे सवाल पूछ दिया कि चीनी का मूल्य 16.2/3% बढ़ा, भिन्न में बदलिए 48.2/50/300 1/6, 1/6 बढ़ा मतलब 6 था तो 7 हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दे दिया चीनी के मूल्य में 33.1/3% वृद्धि होने से
60 kg के जगह कितना खपत करना होगा? ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। खपत कितना केजी करना पड़ेगा कि खर्च पर कोई इफेक्ट ना पड़े। रेट का चर्चा किया, समथिंग परसेंट बढ़ा, पूर्णांक में बदलिए। 100/300 तो 1/3 बढ़ा का मतलब हो गया, 3 रेट था तो 1 बढ़ के कहाँ पहुंचा, 4 पे। अब टोटल खर्च टोटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा का मतलब है कि 100% था तो वही है मतलब 1:1। अब खर्च पर क्वांटिटी पर इफेक्ट तो टोटल कॉस्ट में रेट से भाग तो 1/3 / 1/4 क्रॉस कराए तो 4:3। अब दिया हुआ है कि पहले 60 किलो, तो अब कितना? तो पहले 60 किलो मतलब 4 भाग = 60 किलो, 1 भाग हो गया 15 किलो, तो 3 भाग 15 × 3 = 45 किलो। हालांकि जब रेट वेट कॉम्बिनेशन बताएंगे इसका फॉर्मेट कुछ बदल लेंगे। ये फॉर्मेट इसलिए उठाए कि हो सकता है कि टोटल खर्च अपरिवर्तित के जगह ये भी कह दे कि टोटल खर्च 10% घट जाए, टोटल परसेंट 20% बढ़ जाए। तो ये सब फेज के लिए ये फेज आपके पास रहेगा। ऐसे रेट वेट कॉम्बिनेशन आगे जब शुरुआत करेंगे तो वहां चर्चा करेंगे कि मूल्य का उल्टा होता है मात्रा का रेशियो, और सिर्फ अपोजिट रेशियो अगर सिर्फ इतना पर कमांड रखते हैं तो कॉमर्शियल सेक्शन से लगभग 20% फेज खत्म हो चुका होता है। टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो वहां अपोजिट रेशियो बताते हैं, टाइम का उल्टा इफिशियंसी का रेशियो होता है। टाइम एंड डिस्टेंस पढ़िएगा तो वहां कहते हैं डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी का उल्टा टाइम, टाइम का उल्टा वेलोसिटी का रेशियो होता है। ऐसे ही रेट वेट कॉम्बिनेशन में कहते हैं कि रेट का उल्टा क्वांटिटी का रेशियो होता है। मतलब इसको अगर रेट अभी लिखे कि 3:4 है तो क्वांटिटी सीधा लिख सकते थे उल्टा रेशियो 4:3, जो कि निकाल के लाए बाद में। तो जब रेट वेट को शामिल कर चुके होंगे तो शायद ये हिस्सा भी थोड़ा और गति तेज किया जा सकता है। और उसके बाद थर्ड फेज में आएंगे जब इसका रिवीजन का दौर शुरू करेंगे, तो वहां पर इन सब फेज को भी धीरे धीरे करके वन डे में आदत छोड़िए, लिखने वाला आदत छोड़िए, देखिए वहां से कीजिए। बशर्ते ये तब होगा जब आपको कम से कम ये भरभली करने आएगा कि 100/300, 1/3, 3 था 1/4, क्वांटिटी 4 से 3। चूंकि ऑनलाइन का दौर है, जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर से निपटाने में सफल हो जाते हैं, शायद वन डे में कुछ 13 क्वेश्चन भी कलेक्शन होता है, कुछ आसान क्वेश्चन का भी कलेक्शन होता है। वन डे का रेशियो 60-40 में बटा होता है। 60% क्वेश्चन सब दिन बेसिक लेवल का क्वेश्चन रहता है, जो औसत दर्जे का हर स्टूडेंट बना रहा होता है। 40% बाकी में कह सकते हैं कि 30% क्वेश्चन होता है जो एवरेज से ढंग का लड़का होगा, जो थोड़ा बहुत मैथ समझता होगा, वो वहां तक निकाल सकता है। और 10% जो बिल्कुल ढंग से पढ़ा होगा वो निकाल सकता है। 60% वन डे में हर लड़का बनाता है, बशर्ते तैयारी कर रहा हो, सिर्फ ढो ना रहा हो बस्ता को। लेकिन बाकी बच गया वो जो 40%, महत्वपूर्ण पार्ट वही 40 होता है, जहां पर कि रिजल्ट डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितना तेजी से रिजल्ट निकाल रहे हैं। वो डिपेंड करता है आपके बाकी बचे हुए 40% में से कितना जल्दी से जल्दी आप कवर कर पाते हो। तो शायद उस फेज के दौर में, उस दौर में चलेंगे तो वहां पर कुछ पार्ट तो हो जिसको भरभली निपटा के हटा दिए। उसके बाद थोड़ा सा अगर एक क्वेश्चन पे अगर औसत से थोड़ा ज्यादा भी समय खपत हो रहा होता है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो फेज को लेके बढ़ते चलेंगे। अभी चर्चा किए मल्टीप्लीकेशन फॉर्म,
हेडिंग बना के सीरीज के साथ सीरीज वाइज बारी बारी से रिलीज करते चलेंगे, फिर कभी एडिशनल फॉर्म, कभी रेट वेट कॉम्बिनेशन, कभी का मतलब हुआ कि जैसे सीरीज चर्चा कर चुके हैं कि वीकली एक एक करके रिलीज करते रहेंगे, हो सकता है कि दो दो भी करके रिलीज करते चले, आगे एग्जाम का फेज करीब आता जाएगा, उसी बीच में से कभी प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन, कभी प्रोबेबिलिटी की चर्चा, कभी ट्रिगो की चर्चा, एक साइड से एडवांस सेक्शन का भी चर्चा बीच बीच में करते रहेंगे, तो मे भी संभव है दो वीडियो की जरूरत होगी तो वो भी करेंगे, लेकिन फिलहाल एक निश्चित रूप से लेके क्रम को आगे बढ़ाते चलेंगे, यहीं पर इस क्रम को रोकते हैं और अगला सीरीज सीरीज में बढ़ते चलेंगे।